नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजार का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजार का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नज़र आया है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है। जानेंगे कि आगे जाके किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मनी तेजी देखने को मिल सकती है। रूपा जी, देख रहे हैं कि आज कैसा सीड का अक्टूबर वायदा 6200 के ऊपर ही कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। कैसा सीड के अंदर एकदम से रिकवरी बनती हुई नज़र आई है क्लोजिंग होते होते। रूपा जी, अब आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट वर्किंग वीक भी इसी तरह से तेजी के साथ कारोबार करता हुआ रहेगा या फिर वो भी एक सीमित दायरे में निचले स्तर पर देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी कैसे सीट की बात करें तो अपने तेजी है और इसमें भी खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। 6500 के स्तर हमने दे रखे हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि वो जल्द अचीव हो सकते हैं। 6200 के ऊपर एक बार फिर से निकल चुका है, जो करेक्शन आई थी वो संभलती हुई नजर आई है। निचले स्तरों पर फिर से खरीदारी देखने को मिली है, तो फिलहाल के लिए 6500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं जी। रूपा जी, देख रहे हैं कि बिनौला कल का दिसंबर वायदा भी लगातार तीसरे दिन 2500 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है बिनौला कल में जिस हिसाब से 2500 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल चुकी है, तो अब नेक्स्ट वीक में क्या लेवल्स एक्सपेक्टेड है? देखिए, बिनौला कल के अंदर अभी फिलहाल लग रहा है कि 2520 के आसपास जो ट्रेड देखने को मिल रहा है, बाजारों में ऊपर में 2600 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, 2580 से लेकर 2620 तक। तो इसमें 2600 के स्तरों के लिए इसको फिलहाल बाय करके चला जा सकता है। शॉर्ट टर्म में एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी, बात करें यहाँ से चने की, तो चने में आपको क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि वायदा में चना 5200 के ऊपर ही सस्टेन है और हाजिर में भी ठीक ठाक ही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, MSP से ऊपर ही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अब फेस्टिव सीजन है लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कि चने की जो डिमांड है इतनी देखने को नहीं मिल रही है, कीमतें अच्छी लेवल्स देखने को नहीं मिल रही है, 6000 का जो लेवल पहले था अब वो देखने को नहीं मिल रहा है फेस्टिव सीजन होने के बावजूद, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा होगा? देखिए, अभी फिलहाल जो है वो डिमांड काफ़ी कम है और जो चने के जो है अगले वायदा के ऊपर रोक लगाई गई थी उसका भी इम्पैक्ट है कि व्यापारियों के अंदर डर का माहौल था और यहाँ पर भी ट्रेडर्स जो है वो उसमें बाइंग नहीं कर पाए और डिमांड जो है वो पिकअप नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, हाजिर मंडियों के अंदर हम देखें तो प्राइजेस के अंदर अभी भी तेजी के ही देखने को मिल रही है। सभी दालों की कीमतें लगभग 80 से लेकर 100 रुपये के बीच में कारोबार करते हुए दिखाई दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन के चलते थोड़ा बहुत डिमांड जो है वो पिकअप हो सकती है, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखाई नहीं दे रही जी। रूपा जी, आपको क्या लगता है आज मसाला पैक कैसा ट्रेड करता हुआ नजर आ पाएगा? देख रहे हैं कि धनिया का अक्टूबर वायदा 9800, धनिया देख रहे हैं कि 7742 पर है आज भी। देखिए, अगर मसालों की बात करें तो मसालों में पिकअप आ सकता है, मसालों के अंदर भी तेजी का रुझान है। धनिया के लिए 8000 के स्तरों के लिए बाय कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ हल्दी भी मुझे लगता है कि ऊपर में 7800 से 8000 तक जा सकती है आगे आने वाले दिनों में। जीरे के अंदर कोई बहुत ज़्यादा भी अपसेंट बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, धनिया और हल्दी में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है, डिमांड पिकअप हो सकती है। ओवरऑल फंडामेंटल की बात करें तो सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, तो धनिया और हल्दी दोनों में ही बाइंग में रहा जा सकता है। जिस दिन डिप आए उस दिन आप खरीदारी करके चल सकते हैं जी। रूपा जी, नज़र डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की ओर, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम एक बार फिर से तेजी की ओर है, 2% की तेजी बनती हुई नज़र आ रही है और ग्वार सीड देख रहे हैं कि वो भी 6000 के करीब पहुँच चुका है, 5945 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। रूपा जी, आपने पहले ही बता दिया था कि ग्वार गम में एक बार फिर से 10000 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और ग्वार सीड 6000 के पार जाता हुआ नज़र आ पाएगा, आपको क्या लगता है कल को वीकली क्लोजिंग है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, क्या हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपके ये लेवल्स अचीव होते हुए नज़र आ पाएंगे और नेक्स्ट वीक में क्या लेवल्स एक्सपेक्टेड है? देखिए, बिल्कुल, ग्वार गम और ग्वार सीड अभी तेजी की तरफ है, ट्रेंड पॉजिटिव है और अभी लेवल जो है वो 10000 के ऊपर की अगर आज की क्लोजिंग आती है तो अखिलेश, नेक्स्ट वीक लगता है कि बाजारों में 10500 रुपये से लेकर हो सकता है कि गम 11000 के भी स्तर छूते, नया रिकॉर्ड लगाती हुई नजर आए। और वहीं अगर हम सीट की बात करें तो सीट भी अगर आज 6000-6020 के ऊपर का क्लोजिंग दे देता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में ये भी 6100-6200 के स्तर दिखा सकता है, तो ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है, जिन्होंने बाय किया है वो बिल्कुल इसको होल्ड करके चल सकते हैं जी। रूपा जी, यहाँ से देख रहे हैं कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सरसों भी आज भी 8700 के ऊपर सस्टेन होकर चल रही है, आपको क्या लगता है क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में सरसों 8800-8900 का भी लेवल दिखला पाएगी?
देखिए सरसों में तेजी है, बिल्कुल आगे आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है और सरसों जो है वो 8700 से 8800 के इनफैक्ट अगर इसी तरीके से अभी डिमांड पिकअप होती रही और फेस्टिवल सीजन है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 9000 तक के स्तर भी सरसों दिखा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि अभी सरसों की डिमांड काफ़ी अच्छी खासी मार्केट में देखने को मिल रही है, हाजिर मंडियों में प्राइजेस के अंदर अपसाइड है, तो फिलहाल 9000 के स्तरों के लिए इसको बाय करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, देख रहे हैं कि सोयाबीन में आज 1% की तेजी बनती नज़र आ रही है, हालांकि लेवल वही है 6100 के ऊपर का और 6217 का हाई लग चुका है अक्टूबर का एडम है। रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से पाइपलाइन अभी देख रहे हैं कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई है सोयाबीन की, सोयाबीन का स्टॉक है ही नहीं और अब बाज़ारों के अंदर सोयाबीन उतरेगी और किसान भी हो सकता है कि सरसों की तरह सोयाबीन को भी काफ़ी ज़्यादा रोक रोक कर लेकर आए, क्योंकि जो किसान अभी मंडियों में ला रहे हैं उनको अभी वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, 3000-4000-4500 मैक्सिमम ये दाम अभी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं किसानों को सोयाबीन के। आपको क्या लगता है, अगर जिस हिसाब से पाइपलाइन में अभी स्टॉक नहीं है और किसान सोयाबीन रोक देते हैं तो क्या सोयाबीन में पहले वाली तेज़ी देखने को मिल पाएगी 8000-9000 वाली? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि उतनी तेजी बन सकती है, अगर प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि सप्लाई कैसी रहती है, मंडियों में अराइवल्स कैसी देखने को मिलते हैं उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अभी सपोर्ट है, मार्केट भी तेजी की तरफ ही है, कोई बहुत ज़्यादा भी ऐसा सेंटिमेंट बना नहीं है कि गिरावट आ सकती है और मुझे लगता है कि अभी तेजी बनी रह सकती है। शॉर्ट टर्म मार्केट अभी फिलहाल तेज दिखाई दे रहा है, अभी अगर किसानों के पास रखा है तो उसको कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं क्योंकि करंट लेवल्स के ऊपर प्राइजेस अभी ऊपरी स्तरों से काफ़ी नीचे आ चुके हैं, यहाँ पर एक बाउंस बैक भी एक्सपेक्टेड है, टेक्निकली भी अगर देखें तो फिलहाल यहाँ से करंट लेवल से एक्सपेक्टेड है कि 300 से 500 रुपये की तेजी बन सकती है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन सी कृषि फसलें होंगी जिनके अंदर आज और आने वाले कारोबारी सप्ताह में अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों ऐसी कमोडिटी हो सकती हैं जो नेक्स्ट वीक में भी आपको रिटर्न दे सकती है, इस हफ्ते भी अच्छी तेज़ी बनी है पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में और अगर आज 10000 और 6000 के ऊपर गम और सीड क्लोजिंग दे देते हैं तो अगला हफ्ता भी तेज़ी वाला हो सकता है, तो फिलहाल ग्वार गम और ग्वार सीड पर नज़र होनी चाहिए और इसके अंदर मुझे लगता है कि नई रिकॉर्ड छूते हुए ये दोनों ही कमोडिटीज़ दिखाई दे सकती हैं, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में आप बाइंग की रणनीति लेकर चल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आप ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर खरीदारी की रणनीति अपना कर चल सकते हैं, ग्वार गम और ग्वार सीड में के ऊपर नज़र बना के रखा जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। रूपा जी ने जो लेवल्स दिए आप उन पर खरीदारी की रणनीति अपना कर चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं आने वाले कारोबारी सप्ताह के भी अंदर। तो फिलहाल सिलसिला बाज़ार का हमें इतना ही, नमस्कार।